तो गाइस इस टाइम हम लोग हैं गवर्नमेंट नर्सरी में जो कि है ब्राड स्क्वायर में। और तो इस टाइम हमारे साथ है भीमदत्त जिनको मैं अभी आपको मिलाऊंगा और हमें सारे प्लांट्स के बारे में बताएंगे। तो गाइस ये जो नर्सरी है गवर्नमेंट नर्सरी जो कि दिल्ली कैंट वाले एरिया में पड़ती है 1995 से है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आप प्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप प्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर प्लांट्स दिखाएंगे भी जो भी आपको पसंद हो। बाकी हम चलते हैं सर के साथ और देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं नर्सरी के अंदर और बाकी आपको लोकेशन वगैरह जो भी होगी यहाँ की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। आप मुझे पहले बताओ कि कौन बंदा कितने कितने प्लांट्स ले सकता है? इंडिविजुअल 10 पौधे 15 पौधे। थोड़ा ज़ोर से बोल दो। 10 पौधे 15 पौधे 20 पौधे ले सकते हैं। ज़्यादा पौधे की अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारे जो डिवीजन अफसर है बिरला मंदिर लैंड में ऑफिस हमारा डिवीजन ऑफिस वो वहाँ से रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से पौधे ले सकते हैं। मतलब आपके पास जगह होनी चाहिए? नहीं हमारे पास जो लगाने वाला है उसके पास जगह होनी चाहिए। तो गाइस ये है बेगोनिया का प्लांट आप देख सकते हो। तो गाइस ये जमीन पे लगने वाले हैं आप देख सकते हो। ये ओरिजिनल मेडिसिन प्लांट है। मेडिसिन प्लांट है ये आपका। जैसे हाई बीपी वगैरह रहता है तो आपको ये आप जैसे चाय वगैरह में डाल के छिलका निकाल पी सकते हैं। खून को पतला करता है। तो गाइस इसको रीशिफ्टिंग कर रहे हैं जैसे एक ही तरह के प्लांट है वो एक ही तरफ कर देंगे। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी तो आपको शायद इसी तरीके से मिलेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट दिए जाते हैं। ये पीपल को मिक्स प्लांट है। अच्छा ये पीपल जो पीपल जिसकी पूजा होती है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल पीकम गुलर ये सारे जैसे गवर्नमेंट वगैरह उसमें लगती हैं। गवर्नमेंट नर्सरी जो बाहर है जैसे रिज एरिया रॉक्स पत्थरों के बीच में पानी की प्रॉब्लम होती है तो ये कम पानी में पनप जाते हैं। कम पानी चाहिए इनको। ठीक है ये पापड़ी है ये पीछे करेंगे। तो कैसे पापड़ी के पौधे हैं इसकी भी अभी शिफ्टिंग वगैरह होगी सभी एक ये अभी इसी साल तैयार किया हमने। अच्छा इसी साल के तैयार हो। 4 महीने हुए इसको तैयार हुआ। तो गाइस ये छोटे शहतूत जैसे लगते हैं ना तो वो छोटे छोटे मतलब छोटा फल आता है क्या? छोटा फल आता है इसके अंदर। ये शहतूत का पौधा है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। किसका? लहसुड़ा। तो गाइस एक मेडिसिन प्लांट है जैसे मुंह में कभी छाले वगैरह हो जाते हैं तो गाइस बरसातों में जैसे थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर जो बीज होता है उसको बस हल्का सा खाना है चबाना है वो जो भी छाले वगैरह है एक तरह का औषधि प्लांट है ये। तो आप यहाँ से इसको जाके आके मतलब प्राप्त कर सकते हैं। पिलखन है। तो गाइस ये पिलखन है और कम से कम भी 25-25 फुट की दूरी पे लगता है एक पौधा इसका क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है ये। काफ़ी अच्छा छायादार एक तरह का प्लांट है ये। सबसे बेस्ट चीज़ ये है देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्होंने कलम लगा रखी है यहाँ पे और सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहीं पर ही तैयार करते हैं पौधे कहीं से परचेज नहीं करते। जीवा तो गाइस ये है पुत्रिन जीवा। तो गाइस अभी जो आपने छोटे पौधे देखे थे उनका ये पिछले साल का स्टॉक है इनके पास। पुत्रिन जीवा बोलते हैं इसको। तो गाइस ये शहतूत का थोड़ा सा बड़ा पौधा है और इसमें बड़ा फल लगता है। तो गाइस शुगर के पेशेंट के लिए शहतूत का फल तो वैसे भी बहुत अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप यहाँ पर आके प्राप्त कर सकते हैं। ये इसको रिजाइन भी बोलते हैं और चुड़ैल पापड़ी भी बोलते हैं। हाँ ये शेडो वाले ही प्लांट्स है। चलो जामुन है। मोटी वाली जामुन है ये। अच्छा जो बड़े वाले होते हैं एक होती है कलमी और एक होती है राय जामुन। दो वैरायटी होती है ये राय जामुन है। मोटा फल आता है इसमें और खाने में अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे आके ये जामुन का पौधा फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अभी पतझड़ वगैरह चल रहा है तो पत्ते वगैरह इसके अंदर थोड़े थोड़े वैसे हैं। अभी दवाई वगैरह डाल के जब इसके अंदर दवाई डल जाएगी जितने भी ये वाले पौधे आपको दिख रहे हैं ना ये सब गिर जाएंगे नए पत्ते आ जाएंगे इस पर। तो आप यहाँ से ये वाले प्राप्त कर सकते हैं पौधे। ये वाला कह रहे हो ये बड़हल है। हाँ बड़हल ये सब मिक्स पौधे हैं उसको अलग अलग कर देंगे तो पता चलेगा। हाँ तो कहिए ये बड़हल का पौधा है ये नहीं मैं इनको पर्टिकुलर दिखा दूंगा। क्या नाम दोबारा बताओ ना? ये अर्जुन टीका टीमाई बोलते हैं। अर्जुन टीमा टीका ही बोलते हैं। टीका टीका बोलते हैं अर्जुन टीमा टीका। ये अभी फर्स्ट टाइम लगाया हमने इसको। जो अर्जुन हमने पीछे देखा था वही है? नहीं ये दूसरा है। अच्छा ये फर्स्ट टाइम लगाया हमने।
तो गाइस ये है गुलमोहर। जितनी ज्यादा गर्मी होगी इस मौसम में उतना अच्छा फूल रहेंगे, फूल ज्यादा रहेंगे, पत्ते कम रहेंगे, फूल बहुत बड़ा रहेगा इसमें। अमलतास क्या होता है? ये पौधा तो मेडिसिन प्लांट है। मेडिसिन प्लांट, अच्छा, बड़ा पेड़ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो गाइस ये अमलतास है, ये एक मेडिसिन प्लांट है, औषधि का पौधा है, तो आप ये यहाँ पे आके प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका कचनार, ये भी फूल का पौधा लग रहा है, पेड़ बड़ा होता है इसका, और कम ये 40-50 फुट तक भी बढ़ जाते हैं, ज्यादा हाइट भी हो जाती है इसकी। तो क्या कहते हैं बालम खीरा, ये इसी साल का ही तैयार किया हुआ। खीरा मतलब वो जो खीरा होता है? नहीं वो नहीं, खाने वाला नहीं है ये, कुछ दूसरा है, कजलिया बोलते हैं इसको। कजलिया, कजलिया भी बोलते हैं और बालम खीरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा ले रहा है, कांटे होते हैं। तो कैसे बोगनवेलिया है, ये कांटेदार पौधा रहता है, फेंसिंग वगैरह में लगाने के लिए बहुत सही रहता है, बाड़ वगैरह लगानी है, फेंसिंग लगानी है तो उसमें ये काफ़ी सही रहता है। अच्छा, कलम तैयार कर रहे हैं इसकी? कलम लगा रहे हैं। ये किस चीज़ की कटिंग हो रही है तैयार? ये लाल कनेर बोलते हैं इसको। लाल कनेरू? कनेर, कनेर, लाल कनेर। एक लाल कनेर होती है, पीली कनेर होती है। अच्छा अच्छा, ये लाल कनेर कटिंग से लगती है और जब पीली कनेर बीज से तैयार होती है तो यही लगाते हैं ज़्यादातर कलम? ये कलम, ये लगाते भैया? हाँ ये हो जाता है। कलम जितनी कलम लगाई सर इसी ने लगाई। और जितनी कलम लगाई भैया आपने लगाई है? भैया आपका नाम बताओ। इसका नाम चित्तन है। चित्तन, चित्तन है, साउथ इंडियन है, बहुत मेहनती आदमी। बहुत तो देखेगा इस कलम तैयार हो रही है इस तरह से, ये तैयार, ये सबसे पुराना आदमी यहाँ पर यही है। तो चित्तन जी अभी कलम काट रहे थे तो वही देख सकते हो यहाँ पे लाल कनेर की, तो वही लगा रहे हैं। अच्छा फुटा होगा, 15-20 दिन बाद जो जैसे ही निकलो ना, ऐसे जैसे देख सकते हो ना, ये इसमें से निकलना शुरू हो गया। तो गाइस ये है बहेड़ा या बहरा बोल सकते हो, बहेड़ा बोलते हैं, बहेड़ा ही बोलते हैं इसे। तो गाइस जो त्रिफला वगैरह बनता है तो उसमें ही इसको यूज़ करते हैं, जैसे पंसारी वगैरह की शॉप से पे मिलता है वो। और अभी फिलहाल पतझड़ है तो इसके पत्ते आपको पीले दिखेंगे या फिर गिरे हुए दिखेंगे, अभी जैसे मौसम चेंज होगा दोबारा नए पत्ते आ जाएंगे इस पर। ये शीशम का पौधा है, हाँ, नागडोन मतलब ये एक तरह से ना वो होता है, गमले में भी लगाते, गमले में घर में डेकोरेशन में लगता है, पार्कों में लगाते हैं। तो गाइस अभी नागडोन का पौधा है यहाँ पे, एक ये है, एक ये इस तरह का पौधा है पिंक और ग्रीन में, और एक ये है और एक ये वाला है। नीम का पौधा है, ये मोस्टली बीज से ही तैयार होते हैं, कटिंग से तैयार नहीं होते, और यहाँ पर आपको ये प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेग्रीगेशन भी चल रहा है धीरे धीरे, प्लांट्स के सेगमेंट्स मिलेंगे तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, साइन बोर्ड लगा होगा, और आप प्लांट्स वहाँ से पिक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस जितनी भी कटिंग्स लगाई है उसमें से 70% जेग्नेशन मतलब कह सकते हो कि जिंदा रहेंगे, और जो 30% है वो मौसम के ऊपर भी, वो मौसम पर डिपेंड करता है कि वो टिकते हैं या नहीं टिकते। तो गाइस ये झटरपा है, इसकी कटिंग वगैरह लगा रखी है, आप देख सकते हो। क्या बनता है? डीजल जो गाड़ी में यूज होता है वो इससे बनता है, इससे बनता है, मगर वो कॉस्टली है, ज्यादा होता है, वो ज्यादा कॉस्टली होता है, ये ज्यादा कॉस्टली बनता है इसे डीजल बनाने में। अच्छा अच्छा, इसका हमारे एक प्लांट है बवाना में। अच्छा, वो बंद हो गया, वो बहुत महंगा पड़ा, महंगा पड़ता है, 100 रुपये का लीटर खरीदेंगे तो ये 150 हो जाएगा। सही कह रहे हो। तो गाइस जैसे आप गमले वगैरह में लगाना चाहते हैं तो 2-3 साल तक ये लग सकता है, क्योंकि बात बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको चाहो तो गार्डनिंग वगैरह में लगा सकते हो, बड़े किसी लॉन वगैरह में भी लगा सकते हो। तो ये है चाइना पाम, जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आज लेके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस ये इमली है, ये कटहल है ना सारा, ये बेल पत्र है, और ये कटहल है, ये बड़े वाला, ये बोगनिया का एक भी लगाई है। तो गाइस ये मेहंदी की कलम लगी हुई है, देख सकते हो आप, फुटाव लेना शुरू हो चुका है, यहाँ पे आना शुरू हो गया, ये भी मेहंदी है गाइस। तो गाइस ये है आपका पांडा फाइकस, ये फरवरी मार्च में जाके तैयार होगा, तब देने लायक होगा। ये पूरा पेड़ हुआ नहीं, हाँ, जैसे मिल गया हमने लगा दिया थी। ठीक, तो गाइस ये भी चांदनी है, देख सकते हो आप, इसकी भी कलम मिल गई है तो लगा दी। ये डबल चांदनी है, इसमें डबल फूल आता है एक। अच्छा, एक पत्त उस पे बेल पे, एक पे एक फूल के साथ दो फूल लगते हैं, दो फूल आते हैं। तो गाइस ये झटरपा है, ये जाके फरवरी मार्च तक इसको पता चलेगा, हाँ फरवरी मार्च तक पता लगेगा कि कितना ग्रो करता है कितना नहीं। अजवाइन, अच्छा, ये अजवाइन का ये बेटा पूरा ही, जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो ये इसको यहाँ से आप ले जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लायक हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे आप आके प्राप्त कर सकते हैं।
तो फिर ये है करी पत्ता, ये दर्दपात बोलते हैं इसमें, दर्दपात। तो गाइस जैसे पत्थर चट ना, तो गाइस भाई ये पत्थर चट का पौधा जैसे पहाड़ों वगैरह में मिलेगा आपको, हाँ, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सरी में अवेलेबल है। जैसे कहीं पे दर्द वगैरह हो तो उसके लिए ये बहुत मतलब लाभकारी होता है। क्या बोलते हैं, बडिंग, गुट्टी चढ़ाना भी बोलते हैं। हाँ, तो कहीं से मिट्टी चढ़ाना भी बोलते हैं, गुट्टी चढ़ाना भी बोलते हैं, बडिंग भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर पॉलिथीन लगा रखी है, यहाँ पर भी लगा रखी है। तो इस तरह से इसमें से कलम निकाल, जैसे रूट्स निकलेंगे हम पीछे से काट के लगा, हाँ रूट निकलेगी उसको पीछे से काट के सीधा लगा देंगे वहाँ पे मिट्टी के अंदर, तो फिर उसी से पौधे तैयार कर देंगे। तो गाइस ये आंवला है, ये नए लगाए थे, वो बाद में लगाए बिगर मौसम के। तो गाइस ये आम के हैं बीज वाले, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये आम का काटे हैं इसके अंदर। तो गाइस ये है जंगल जलेबी, ये घरों में नहीं लगाते लोग, हाँ जैसे गार्डन वगैरह में लगाते हैं, गार्डन वगैरह हो या कोई पार्क पार्क वगैरह में लगता है ये अभी अक्टूबर लेने लगी। तो गुलाब की कटिंग्स देख सकते हो आप, गई वो कलम जो मैं बता रहा हूँ आपको वो लगाई है अभी, और फुटाव लेना भी शुरू हो गया देख सकते हो ये इस तरह से। तो गाइस ये है चंपा, ये भी काफ़ी बड़ा होता होगा ना, हाँ ये सारी बड़े हैं, ये हार श्रृंगार, हार श्रृंगार, ये भी हार श्रृंगार है ना, ये हार श्रृंगार। तो गाइस ये हार श्रृंगार है, तो गाइस आप देख सकते हो ये गुड़हल है, फूल आना शुरू हो गया, पूजा वगैरह में काम आता है इसका फूल, इसका मैंने इसकी कलम भी देखी है हमने पीछे ना, कलम इसमें से लगाएंगे वो हमारे को मिलेगा नहीं ना कहीं से, हाँ नहीं मिलेगा तो हम इसमें से काट के लगाएंगे। हाँ तो ये अमरूद है, तो गाइस ये चांदनी है, ये अमरूद है, ये सारा अमरूद है, ये मोलश्री है। तो आप यहाँ पे ये आके प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस ये मदर बेड्स है आप देख सकते हो, और मदर बेड्स उसको बोलते हैं जिसमें से पौधे से ही पौधा तैयार करते हैं, सेंसवीरा। तो गाइस स्नेक प्लांट को सेंसवीरा ही बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे अभी तो फिलहाल ये मदर बेड है, यहाँ से ही निकाला जाएगा और यहाँ से ही फिर आगे लगाया जाएगा। तो गाइस ग्रीन हाउस भी तैयार हो रहा है, जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनको जैसे जो सर्दी में मतलब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके लिए ये मतलब बेस्ट चीज़ है। तो मतलब जो भी पत्ते गिर जाते हैं वो यहाँ रख देते हो आप। तो गाइस जैसे पत्ते गिर जाते हैं तो पत्ते वाली खाद, कैसे पत्ते से जो खाद बन जाती है इसके अंदर अभी क्या करेंगे, केचू वगैरह छोड़ देंगे, जो केचू वाली खाद होती है बहुत अच्छी खाद होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाभकारी होती है प्लांट्स के लिए। तो ये खाद वगैरह के लिए भी कंपोस्ट खाद बोलते हैं जिसे, वो तैयार कर रहे हैं। तो गाइस ये है आपका छुई मुई का पौधा, आप देख सकते हो, मैं अभी इसे हाथ लगाऊंगा, ये लाजवंती भी बोलते हैं इसको। तो गाइस ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ब्रार स्क्वायर नर्सरी, ये अभी अभी रिसेंट में लगा है। ये वाले सारे प्लांट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो भी आपको ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है इसकी वो यहाँ पे दर्ज करेंगे, कितनी है दर्ज करेंगे। हाँ मेरा नाम भीम कप है, ये नर्सरी तो बहुत पुरानी हुई, मैं यहाँ पर 2 जनवरी 1995 को यहाँ आया था, उस टाइम ये यावान जंगल सा था, और ये नर्सरी बहुत छोटी, मैं कोई परचेसिंग नहीं करता, हम ज़्यादातर प्लांट्स यहीं से तैयार करते हैं इसमें। कई बार ये ऐसा होता है कोई प्लांट्स लेने आते हैं तो कोई बोला हमें कड़ी पत्ता चाहिए, 2 पौधे 10 पौधे चाहिए, ठीक है ले जाओ, दोबारा आएंगे दोबारा होगा जी कुछ बीज भी लेता ना साथ में, बोला जी किस चीज़ का बीज चाहिए जो है, बेलपत्र का बीज ला दो, लाते तो हम उसको उससे तैयार करते हैं, नियम में तो हमें जैसे जूस वाले होते हैं ना उसे बोलते थे बेलपत्र का बीज वो फेंकना नहीं, हमारे कलेक्टर है मैं खुद आके ले जाऊँगा वहाँ से, ये ब्रार स्क्वायर दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन रिंग रोड के ऊपर ही, ये ब्रार स्क्वायर रेलवे स्टेशन भी है सामने, ये रेल खड़ी है ब्रार स्क्वायर रेलवे स्टेशन है ये, अच्छा तभी यहाँ से मतलब कैंट एरिया है ये। तो मुझे एक और चीज़ बताओ आप कि जैसे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे मिलते हैं तो
ऐसी दिल्ली में और कितनी नर्सरी है जहाँ पर हमारे दिल्ली में 14 नर्सरी हैं। 14 नर्सरी है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे मिलते हैं। तो आप यहाँ के बता सकते हैं, हमारे पास 4 नर्सरी हैं। 4 नर्सरी, एक तो ये होगी, ठीक है, एक हमारे बिरला मंदिर में है, ठीक है, और दो हमारी नर्सरी नजफगढ़ में, दो नजफगढ़ में, नजफगढ़ में खड़कड़ी जटमल और रेवला खानपुर, रेवला खानपुर। 4 नर्सरी हमारे डिवीजन में है, आपके डिवीजन में 4 डिवीजन है, हमारे डिवीजन में 4 नर्सरी है। 4 नर्सरी है। तो गाइस हम थे दिल्ली की फ्री वाली नर्सरी में, मतलब जो गवर्नमेंट की नर्सरी है जहाँ पर जो प्लांट्स मिलते हैं ना, आप मेरे पीछे वगैरह देख सकते हो, मैंने आपको प्लांट्स ऑलरेडी दिखा दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो जहाँ पर जो प्लांट्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और कुछ पे नहीं करना आपको। यहाँ पर आप आइए, प्लांट्स अवेलेबल है हर समय। जो इसका टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। और सब्सक्राइब कर दो, ज़रूर करके जाना गाइस। नर्सरी के बारे में आपको शेयर करना चाहता था और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इसके थ्रू। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में।